एकदम बेवकूफिया ही है। आदमी लूटने जाता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। 50 आदमी था कम से कम वहां पर, और 50 आदमियों से 100-100 रुपए की रसीदें काटी उसने। उल्टे जा भी रहे हैं, उल्टे 100 रुपए भी दे रहे हैं, प्रसाद में भी दे रहे हैं। प्रसाद भी लिया था मैंने, प्रसाद उसने मेरे को 60 रुपए का दिया था और 18 रुपए का प्रसाद हो रहा था। कितना कमाएंगे समझ रहे हो, कितना कमाएंगे। इसका जो आखिरी का सीन है ना, वो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। गाइज ये ब्लॉग पूरा टिल एंड देखना। हे गाइज वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग, और व्लॉग हो गया ये दूसरे दिन स्टार्ट। आज भैया जा रहे हैं हम दवाई करवाने हमारी पत्थर गोले की। तो हमने पूछा था पापा से, बता रहे थे कि वहाँ पर अगर जाते हो तो कुछ 250-100 ग्राम शक्कर मक्कर और गमार पाठ ले जाते हैं। अब भैया हमने सोचा था कि एक आध गमार पाठ ले जाते होंगे, थोड़ी शक्कर ले जाते होंगे। भैया ऊपर आके बुआ को तोड़ते हुए देखा है, गमार पाठ देखो कितने सारे तोड़े उनने। ये देखो गमार पाठे तोड़े इनने, एक ही बार में ना निकलवाएंगे लोग तो पदरी। सीधे ही कह देते भैया कि है ना गमार पाठे और शक्कर मिला के खा जाना तुम, तो पर आने की जरूरत नहीं है। साला अब वो 100-200 रुपए अलग छुड़ाएगा और ये सब कर्म कांड अलग करने पड़ जाएंगे। सत्यानाश हो, अभी कुछ नहीं है भैया, सुबह सुबह उठ चुकेगे। फिलहाल बज रहे 6 और हमने बाल माल भी कटवा लिए थे कल ही। अच्छा लग रहा हूँ मैं, हैंडसम। हाँ दाढ़ी भी कटवा ली थी। और वो देखो हमारा छोटा भाई खड़ा आएगा, अरे टपोरी। अरे वाह यार बहुत जल्दी सुन लेता, टपोरी है मतलब पूरा भग गया। अच्छा कोने ना पर आए भाई, सीन ये है मंदिर के दर्शन करो चल लिए। चलो तो अब अपन निकलते हैं, अब अपन जा रहे हैं गंवार पाटा लेके गंवारों के बीच में। तो गमार पाटा ले लिया आएगा, फूफा जी भी आ ही रहे, फूफा जी हंस रहा है। कैमरा साफ नहीं दिख रहा, अब साफ देखा, दिख रहा होगा। चलो look at you, you're running in circles, which way will you turn? ट्रैक्टर रखा, अरे वाह बिना पूछे ही बता दिया इनने तो। समझ गए वे तो, अब डारही यही ट्रैक्टर रखा है क्या यहाँ पर। लो तो भाई यहाँ पहुंच गए हैं, पर ये है जगह। दादा दवाई कहाँ पिलाते हैं, पत्थर पे आगे। फाइनली आ चुके हैं अपन दवाई पीने के लिए। अच्छा गाड़ियाँ लगी तो है यहाँ पर, 9 बजे से है यार। क्या बात कर रहा है, कहाँ लिखा था आउट 9 से 12। अरे यार पापा तो 6 बजे की कह रहे थे, ये तो लफड़ा बज गया। इससे पहले नहीं करवाएंगे क्या आप? भैया से अब भी हाल बात हुई, भैया कह रहे हैं कि थोड़ी देर में कर देंगे, आधे एक घंटा रुक जाओ, जब तक भैया फ्रेश में रेस कहीं होने गए होंगे। तो बस दिल लाइन पे बैठ के आराम करते हैं जब तक भैया आ जाएंगे। अब फिलहाल 8 बज चुके हैं,
उनने टाइम दिया था 9 से 12:30 तक, और हम आ गए थे कितने बजे, 7:30 बजे। हम 7:30 बजे से बैठे हैं, 9 बजे का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखो 9 कितनी देर में बजते हैं, अभी तो 8 ही बजे, 1 घंटा और है अभी, फिर उसके बाद कहीं जाके दवाई पिलाएंगे। यार यही पब्लिक है, कितने जने आ रहे हैं, हाँ कितनी भीड़ होता है। चलो तो भाई दवाई पी ली है और भीड़ तो भयंकर हो चुकी है। एक हमारे उसी तरफ जाने वाले भैया मिल गए हैं, तो उनके साथ बैठ के निकल रहे हैं। फूफा जी क्योंकि जल्दी निकल गए थे, उन्हें टिकट वगैरह बनानी, तो हम भी निकल रहे हैं आज, सीधा वहीं पहुंचते हैं। चलो तो भाई अंकल ने हमें रोड पे छोड़ दिया है। फूफा जी जल्दी निकल गए थे, उन्हें टिकट बनानी थी, तो आप मेन रोड पे आ गए हैं। कोई ना कोई लिफ्ट मांगेंगे, अब भी हाल बासो तो पहुंच जाएंगे। देखो कोई ना कोई मिलता है, एक आध खाली गाड़ी आ रही होगी कहीं ना कहीं से। एक भाई मिल गए है, वो छोड़ रहे हैं अपन को, जहाँ तक वो जाएंगे उसके आगे देखते हैं। गाइस तो हमने कुल 3 गाड़ी बदली, 3 गाड़ी बदल के हम बासुदा पहुंच चुके हैं स्तंभ चौराहे पे। और अब यहाँ पर हमारे फूफा जी आ रहे हैं, एक और फूफा जी हैं तो वो आ रहे हैं हमें पिकअप करने। तो आज हम उनसे और मिलने, वो बहुत दिनों से फ़ोन लगा के कह रहे थे, तो ज़रा बस उन्हीं के पास जा रहे हैं, वो आ ही रहेंगे, तो उनसे और मिल लेते हैं। और ये पता नहीं काय की रैली निकल रही है यहाँ पर। मतदान जागरूकता अभियान चल रहा है कोई सा, अब ये क्या होता है ये तो अपन को भी नहीं पता। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मातरम, मातरम। सम्मु भाव को सब्सक्राइब करना ठीक है भैया। फूफा जी आ गए थे लेके हमें दुकान उनकी, तो बहुत देर तक हम यहीं बैठे थे, बातें कर रहे थे, बातें वातें हो गई हैं। हम करते हैं हाँ, अरे नहीं, अरे नहीं तो हम कह रहे हैं, अरे मानो तो आपने मानो तो खाने के पीछे पड़ गए हैं। फूफा जी बोले नहीं खाना खा के जाओ, मैंने अब सब वहाँ बना रखा है, कौन खाए। ठीक है अभी तो अपन सीधा निकलते हैं, घर पहुंचते हैं। फूफा जी भी आ गए हैं गाड़ी लेके अपनी, अब निकलते हैं अपन भी यहाँ से। हाँ बैठ गए, फूफा जी अब ब्लॉग में आ गए हो, ठीक है ब्लॉग में आ गए हो, अब कल या परसों के दिन है ना ब्लॉग देख लेना मेरा वाला है, हमारे ब्लॉग देखते हैं फूफा जी डेली, अब आप ब्लॉग में आएंगे फूफा जी भी। चलो तो ये ब्लॉग एंड करने आ गए अपन सीधा गांव बासोदा से। बोलते हो गए कि ये साला एक जगह टिकना ही नहीं चाहता, कहीं इधर तो कहीं उधर, एक एक ही ब्लॉग में इधर उधर हो रहा है। हाँ तो मेन बात ये है कि देखो ब्लॉग एंड तो अभी करे दे रहा है, अभी आखिरी की जो मेन बात है वो सुन लो, कि जैसे मैं वहाँ दवाई पीने गया था, तो ऐसे बहुत से लोग जाते हैं, तो मेरा बस इतना यही कहना है कि देखो मैं जब गया था तो एकदम बेवकूफिया ही है, आदमी लुटने जाता है, समझ रहे, एकदम लुटने जाता है फ्री में, मतलब खुद से ही पैसे देने जा रहा है सामने वाला वहाँ पर। उनके पूर्वज जो भी पिलाते होंगे वो बात अलग है अब, लेकिन अब ये जो आदमी कर रहा है ना वो एकदम घटिया काम कर रहा है, समझ रहे हो। तो आपसे मैं अभी भी कह रहा हूँगा कि भाई जैसे कि मैं वहाँ पर गया तो आप लोग मत जाया करो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। सही बात, उसका घर बहुत बेहतरीन चल रहा है, बहुत बेहतरीन। अब मैं देखो समझाता हूँ कि कैसा क्या आएगा। आप लोगों को तो यही लगता होगा कुछ मंत्र वंत्र फूकता होगा या कुछ कुछ दवाइयाँ वगैरह डालता होगा, कुछ नहीं डालता भाई, मैं बता रहा हूँ। अपन जाते हैं गंवारपाटा अपन से ले लेता है, 250 ग्राम शक्कर भी मंगवाता है, समझ रहे हो, तो 250 ग्राम शक्कर तो वो अपने घर में घुसेड़ लेता है, बाकी बचा गंवारपाटा तो गंवारपाटा का वो निकाल के गूदा और आपको खिला देता है, बस वो गूदा ही खिलाया था, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। शक्कर का उसके अंदर स्वाद नहीं आया, मैं बता रहा हूँ, वो 250 ग्राम शक्कर जो अपन से लिए उसका 1 रुपये का स्वाद नहीं आया, समझ रहे हो। फिर उसके बाद उसने रसीदें भी काटी, उसने 100-100 रुपये की हर एक आदमी से रसीद काटी,
ये समझ लो कि 50 आदमी था कम से कम वहां पर, और 50 आदमियों से 100-100 रुपए की रसीदें काटी उसने। उसके बाद अगर हर है ना हफ्ते में 2 बार वो करता है यही काम, तो सोच रहे हो मतलब कितना है ना कमा रहा होगा भाई यार वो हफ्ते में। अब आपको तो है ना ये सब गमरिया ही लग रही होगी कि यार ये तो अब सब ऐसा होता है ये और वो, डॉक्टर के झक मराने बैठे हैं ये, इन चूतियों के पास जाते रहेंगे तो हो जाएंगे क्या सही? नहीं होता भैया कुछ भी, मैं बता रहा हूँ। इससे अच्छा आप तो खुद अपने घर में गमार पाटा लो, उसका गूता निकाल के खा जाओ, वो ज़्यादा बेटर है वहाँ जाके पैसे देने से लुटने से, मेरे हिसाब से तो एकदम सही बता रहा हूँ। वहाँ जाके कुछ भी मुझे है ना ऐसा नहीं लगा कि है ना कुछ यार अच्छी चीज़ हुई है। और फिर वही चीज़ें बता रहा है कि जो डॉक्टर बताता है कि आप इससे सावधान रहना और है ना ये खाना वाना ये सब मत खाना और पानी ज़्यादा पीना। अब भाई मैं उससे मतलब मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी कि मेरे जैसा इंसान कैसे चला गया वहाँ पर गंवरिया ही देने के लिए, लेकिन अब वो तो जो है ठीक है। और फिर उसके बाद उसने जो 100 रुपये मंदिर के नाम पे लिए थे, तो मंदिर जाके देखा, मंदिर का 1 रुपये का निर्माण नहीं हुआ। साला कह रहा था कि मैं ना मंदिर के लिए जमा कर रहा हूँ, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5-6 साल पहले से या 10 साल पहले से उसने पैसे लेने चालू कर दिए हैं, और आज तक के कितना बन रहा है भाई, 3-3, 4-4 ट्रैक्टर खड़े हो गए, जमीन जायदाद बना ली उसने। लेकिन भाई आदमी समझने ही नहीं चाहता, गमरिया ही में घुसता आदमी एकदम अंधविश्वास में, सोचता है 100 रुपये में सही हो जाएगा। भाई छोटी पथरी होती ना वो तो पानी से ही निकल जाती, और थोड़ी डाइट कर लो सही, तो मैं बता रहा हूँ मेरी कौन सी ज़्यादा बड़ी पथरी थी, छोटी सी पथरी है वो तो डाइट में ही निकल दे, डॉक्टर ने ही बोल दिया था उसके पास जाके वो हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ भाई बड़े पापा को भी पथरी हुई थी, वो भी भागे थे, आज तक नहीं निकली पथरी। चूतिया बनाता उससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाता है भाई, अगर ऐसी निकल रही होती ना तो क्या नहीं था, अब बड़ी होगी तो निकल जाएगी क्या ये सब ढोक नमाज से, कुछ नहीं निकलने वाली। छोटी होती वो तो यार डाइट करोगे और पानी वानी ज़्यादा पियोगे, तेल मेल का ख्याल रखो तो वो तो वैसे ही निकल जाएगी। ये अब इसके पास जा रहे हैं अपन, उल्टे जा भी रहे हैं, उल्टे 100 रुपये भी दे रहे हैं, प्रसाद में भी दे रहे हैं, प्रसाद भी लिया था मैंने, प्रसाद का भी हिसाब लगाया था भाई मैंने, प्रसाद उसने मेरे को 60 रुपये का दिया था और 18 रुपये का प्रसाद हो रहा था, कितना कमाएंगे? तो भाई ये गमरियाइयों से दूर रहो, उसके बाद वो जाए भाड़ में, और है ना जो कर रहे हैं उनको तो वो फल मिल ही जाएगा, लेकिन बस मेरा काम इतना था कि ये सतर्क कर देना कि ये देखो मैं जो गमरियाई करके आऊँ वो आप नहीं करना, और फिर उसके बाद आपका मन हो तो जाओ बिल्कुल, और जो देना है पैसे देते रहो। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, सो टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय। Sexy on the cover. I'm covered so I do. कहाँ को? जो आ रहो। कितने पैसा ले आ बाकी? 1,000 2,000 2,000 को तो आते ही नहीं हो। She call me Mr. Bombastic, send me fantastic, touching on me box, she says I'm Mr. Rowe.